फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य लॉ एकेडमी बाय रुचि जैन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर्स का। तो यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। इस वीडियो में हम एमपी सिविल जज 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट इंग्लिश में रहेगा, डिक्टेट में हिंदी में करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन, किसी विषय के विशदीकरण के लिए। सेकेंड, किसी संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए। थर्ड, किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसान के निर्धारण के लिए। फोर्थ, वाद विषय निर्धारण के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन डी, वाद विषय निर्धारण के लिए। ये कोई ग्राउंड नहीं होता है कमीशन जारी करने का। बाकी के ऊपर के तीन जो है वो ग्राउंड से कमीशन जारी करने के, जो ऑर्डर 26 रूल 9 में बताए गए हैं, और सेक्शन 75 की क्लॉज डी में लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी किया जाता है, उसके ये ग्राउंड है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद के लिए प्रावधान सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत किया गया है। ऑर्डर 32A, आदेश 33, आदेश 32, आदेश 34। तो आंसर इज बी, आदेश 33। ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर्स की हेडिंग याद होगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो सीपीसी में 51 ऑर्डर्स है, तो 51 ऑर्डर्स की हेडिंग आप लोगों को याद करनी है। इंडिजेंट पर्सन यानी निर्धन व्यक्ति से संबंधित प्रावधान दिए हैं ऑर्डर 33 में। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं होगी। ऑप्शन ए इज, जहां पर आदेश विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार का है। सेकेंड, जहां पर आदेश निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का है। थर्ड, जहां पर आदेश दस्तावेज के या प्रस्थांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप का है। फोर्थ, जहां पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तार्किक अनियमितता से किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी रिविजन का आधार है, ना कि ऑर्डर 43 के अंतर्गत अपील वाले आदेश का। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के संबंध में सीपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत उल्लेख है। ऑर्डर 5, ऑर्डर 10, ऑर्डर 16, ऑर्डर 21। तो आंसर इज सी, ऑर्डर 16। अगेन ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप ऑर्डर्स की हेडिंग याद करेंगे। तो ऑर्डर 16 बात करता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाए जाने से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान या आदेश है। ऑर्डर 13, ऑर्डर 5, ऑर्डर 17, ऑर्डर 24। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑर्डर 13 बात करता है दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना। अगेन फ्रेंड्स, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और 2016 एमपीसीजे में तो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। तो आपको याद करना है, नॉर्मली भी हर स्टेट एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हेडिंग बेस्ड बनते हैं। इसलिए मैंने आपको बार बार इंसिस्ट किया है कि आपको सेक्शंस के, ऑर्डर के, पार्ट के टाइटल याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का वाद रखता है, उसे यह अधिकार है कि यह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान
ऑप्शन ए अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है, बी विवक्षित रूप से वर्जित है, सी अभिव्यक्त एवं विवक्षित रूप से वर्जित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, यानी कि अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है, नॉट एक्सप्रेसली वर्ड। ये है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि सूट्स विच आर नॉट एक्सप्रेसली वर्ड दे कैन बी कॉग्निजेबल बाय सिविल कोर्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेवन जो बात करता है वो पूछ रहा है व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के तहत वादी के दावे में प्रतिवादी वादी के विरुद्ध अस्थाई व्यादेश की मांग कर सकता है। यदि पहला ऑप्शन वादी प्रतिवादी को विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने की धमकी देता है, वादी अपने लेनदारों को कपट करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति जनित करने की धमकी देता है, वाद में विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में खतरा है कि वादी उसका दुर्व्यवहार करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा अथवा संक्रांत करेगा, प्रतिवादी संपत्ति जनित करने की धमकी वादी को देता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, वाद की विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में खतरा है कि वादी उसका दुर्व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी इज ऑर्डर 39 रूल 1A से पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो वर्ड्स यूज है वो है एनी पार्टी, तो एनी पार्टी मीन्स वादी और प्रतिवादी, और बाकी के जो ऑप्शन है उसमें डिफेंडेंट वर्ड यूज है, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। आप लोग इसके लिए ऑर्डर 39 रूल 1A देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीसी के तहत सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाने के बीच किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण वाद उपशमन होगा, उपशमन नहीं होगा, न्यायालय की अनुमति से उपशमन होगा, दूसरे पक्षकार की सहमति से उपशमन होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी, उपशमन नहीं होगा। ऑर्डर 22 रूल 6 में बताया गया है कि जब कभी भी हियरिंग कंप्लीट हो जाती है और जजमेंट सुनाना रहना बच जाता है और उस बीच में अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जजमेंट सुना दिया जाता है वैसा ही जैसे मानो उसकी मृत्यु के पहले सुना दिया गया था। ऑर्डर 22 रूल 6 उपशमन नहीं होगा, देख सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन 9 बात करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सीपीसी में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज भारत के उपराष्ट्रपति को, सेकंड केंद्र या राज्य के मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो आंसर इज ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छूट प्राप्त नहीं है। अगर कोई सिविल प्रोसेस है तो इनके लिए जो है इन्हें उपस्थित होना पड़ेगा, अपियर होना पड़ेगा। सेक्शन 133 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन 133 का ये क्वेश्चन है। आप लोग वहां पर पूरी लिस्ट दी गई है देख लें, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और भी कुछ इसको उलट पलट करके आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ऑर्डर 32 नियम 1 सीपीसी के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने अपनी वयस्कता निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की है। पहला किशोर न्याय अधिनियम, दूसरा सीपीसी, तीसरा भारतीय वयस्कता अधिनियम एंड फोर्थ वन इज हिंदू अप्राप्त व एवं संरक्षता अधिनियम। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारतीय वयस्कता अधिनियम, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत जिस पर्सन ने अपनी एज ऑफ लिमिट क्रॉस नहीं की है वो व्यक्ति अवयस्क कहलाता है, माइनर कहलाता है। ये सीधा सीधा ऑर्डर 32 रूल 1 से क्वेश्चन पूछा गया। तो एमपी सिविल जज 2016 में अधिकतर क्वेश्चंस जो थे वो ऑर्डर से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करके चलना है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन वीडियोस को ताकि और भी स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।